हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल जानकारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूलीवैक्स पी एयर ड्रॉप के बारे में। तो दोस्तों, जानेंगे इसके यूज, साइड इफेक्ट। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ भी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यह है यूलीवैक्स पी एयर ड्रॉप जो आती है आपकी यूनिक लाइफ साइंस फार्मा कंपनी की। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी एयर ड्रॉप है और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट इसका मिलता है। और कंटेंट की बात करते हैं, इसमें मिलता है आपको बेंजिनोकैन, अल्क्लोरबुटॉल, आइट्रोपिन ऑयल एंड पैराडिक्लोरोबेंजीन एयर ड्रॉप। तो आप इसका कंटेंट को आराम से पढ़ सकते हैं। तो बस इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। साइड तरफ लिखा हुआ है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली एंड नॉट फॉर इंजेक्शन। आपको बता रखा है आपको किस तरीके से इसका यूज़ करना है। MRP की बात करते हैं तो मार्केट में लगभग 50 से 60 रुपये की MRP अलग अलग स्टेट वाइड आपका कर सकता है, वेरी कर सकता है। साइड की तरफ दे रखा है इसके कंटेंट के कंप्लीट दे रखे हैं, आप इसको देख लीजिएगा कंप्लीट। और यहाँ पर वार्निंग भी दे रखी है कि आप इसको किसी डॉक्टर की सहायता से या फार्मा की सहायता से ही यूज़ करिएगा, अनदर आप इसका यूज़ मत करिएगा। और कंप्लीटली इसमें वार्निंग दे रखी है, आप कंप्लीटली इसमें पढ़ लीजिएगा। तो मैं अंदर की तरफ आपको दिखाता हूँ इसको। तो ये अंदर की तरफ इस तरीके की ड्रॉप आती है, एक प्लेन ही यूलीवैक्स भी आती है। तो ये वाली यूलीवैक्स पी ड्रॉप है जिसमें आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। यूज़ की बात करते हैं तो पहला यूज़ ये है कि आपके कान वगैरह में किसी भी तरह का दर्द वगैरह होता है, खुजली वगैरह हो या फिर इन्फेक्शन हो गया कान में, तो हर तरह के कान के इन्फेक्शन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और स्मेलिंग वगैरह को भी ख़त्म करता है। इसके अदर यूज़ भी है, जैसे इन्फेक्शन वगैरह है, गले में इन्फेक्शन है, दर्द वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। कई तरह की यूजेज में आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। बाकी आप इसका यूज़ करते हैं तो अपने डॉक्टर की सहायता से ही यूज़ करिएगा। जो मेन इसका यूज़ है वो है आपका कान के मैल के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। इसका आपने डालनी ही एक या दो ड्रॉप आप इसको डाल सकते हैं, दिन में एक या दो बार आप इसका यूज़ कर लीजिएगा। यानी आप 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो आपके ईयर वैक्स को, यानी वैक्स को बाहर निकाल देता है, गंदगी जो कान की होती है। सबसे बढ़िया इसका ड्रॉप है। तो आप इसका डोज की बात करते हैं तो डोज आप एजेड के हिसाब से होता है, बच्चे का है तो कम ड्रॉपिंग वगैरह और बड़े होगा तो ज़्यादा हो सकता है। तो सामने की तरफ इस तरीके से लिखा हुआ है कि डिस्कम्फर्ट वगैरह आप इसका बेचैनी वगैरह के भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कान वगैरह में दिक्कत हो जाती है किसी भी तरह की, तो आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। बेसिक यूज़ इसका मतलब जो मेनली यूज़ होता है वैक्स के लिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। पेन हो रहा है कान में आपका, इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। आप इसका यूज़ अपने आप ही मत करिए क्योंकि कान का अंदरूनी पार्ट है, कभी भी हमें पता नहीं होता कि कान में क्या हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसका यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सहायता कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर इन्फेक्शन वगैरह कुछ घाव वगैरह होगा या पर्दे में दिक्कत होगी तो शायद ही आपके कान को नुकसान कर सकता है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से सहायता से ही यूज़ करिएगा, कानों को अच्छे से चेकअप करवा के तब इसका यूज़ करें। वैक्स है तो वैक्स के लिए ही यूज़ करिएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है तो मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं या फिर मुझे ट्विटर या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।